हेलो एंड वेलकम टू द रेसिपी बोल। पिज़्ज़ा खाना हम सबको ही बहुत पसंद होता है और अक्सर पिज़्ज़ा बनाने के लिए हम मार्केट से पिज़्ज़ा पीस खरीद कर लाते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप घर पर ही मार्केट जैसा पिज़्ज़ा पीस कैसे बनाकर तैयार कर सकते हैं, वो भी बिना ओवन बिना यीस्ट के। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। वो कढ़ाई में बना रहे हैं तो इसके लिए हम सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में हम डालेंगे 1 कप नमक, 1 कप नमक को हम कढ़ाई के तले में अच्छे से फैला देंगे। ये मैंने पहले भी यूज़ किया हुआ नमक है। अब इसके ऊपर आपके पास जो भी अवेलेबल वायर वाला स्टैंड हो या कोई जाली हो उसे आप इस तरह से कढ़ाई के तले में रख दें और कढ़ाई को कवर कर दें। अब इसे हम 10 मिनट के लिए प्री हीट होने छोड़ देंगे। तब तक हम डो बना के तैयार कर लेते हैं। डो बनाने के लिए हमने यहाँ लिया है 1 कप मैदा। इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा। साथ ही में इसमें मैंने डाला है 1/2 छोटा चम्मच नमक। नमक का आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। सबको एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। अब यहाँ मैंने लिया है 1/2 कप दही। दही को थोड़ा थोड़ा करते हुए हम इसमें डालेंगे और इसे गूंथना शुरू करेंगे। इसमें हमें पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, केवल दही से ही इसे हम गूंथेंगे ताकि इसमें फर्मेंटेशन हो और ये फूल कर डबल हो जाए। अब इसमें मैंने बीच में डाला है 1/2 छोटा चम्मच तेल। तेल के साथ हमें इसे गूंथना है और हमें इसे अच्छे से गूंथना है ताकि एक सॉफ्ट सा डो बनकर तैयार हो। देखिए हमारा सॉफ्ट सा डो बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसे 2 इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे। 1 कप मैदा से 2 पिज़्ज़ा पीस बना सकते हैं, इसलिए मैंने इसे 2 इक्वल पोर्शन में डिवाइड किया है। अब जिस तरह से हम रोटी बेलते हैं उसी तरह से हाफ पोर्शन को लेके इसे मैदे से कोट करके रोटी की तरह बेलना शुरू करेंगे और एक मीडियम साइज़ की रोटी का शेप देकर इसे तैयार करेंगे। इसे हमें पतला नहीं बेलना है, मोटा ही रखेंगे। इसकी थिकनेस देखिए इतनी रहनी चाहिए। अब आप चाकू या फिर फॉक की मदद से इसमें छेद कर दें ताकि ये बेक होते टाइम इवनली बेक हो और कच्चा ना रहे। अब एक प्लेट लेंगे। प्लेट को हमें ऑयल से ग्रीस करना है। अच्छे से इसमें हम तेल को फैला देंगे। अब इसमें हम थोड़ा सूखा मैदा डालेंगे और इस तरह फैलाते हुए इस पर सूखा मैदा चारों तरफ हमें लगाना है। इस पर ऑयल की लेयर को मैदे की लेयर कवर कर ले, उतना ही इस पर फैलाना है और एक्स्ट्रा मैदे को हमें निकाल देना है। अब हम अपना बेला हुआ पिज़्ज़ा बेस इस प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे। देखिए हमारी कढ़ाई भी प्री हीट हो चुकी है। अब जिस प्लेट में हमने पिज़्ज़ा बेस को रखा था वो प्लेट हम इसमें कढ़ाई में रख देंगे और इसे कवर करके 5 मिनट के लिए बेक होने छोड़ देंगे। तीन से 4 मिनट के बाद अब एक बार से चेक कर लें। देखिए 4 मिनट के बाद हमारा पिज़्ज़ा बेस बनकर तैयार है। अब इसे हम कढ़ाई में से निकाल लेंगे और इसी तरह हमने अपना दूसरा पिज़्ज़ा बेस भी बेलकर तैयार करा हुआ है। उस पिज़्ज़ा बेस को हम कढ़ाई में
रख देंगे और उसे भी 5 मिनट के लिए बेक होने छोड़ देंगे। देखिए मार्केट का परफेक्ट पिज़्ज़ा बेस बनकर तैयार है। दोनों पिज़्ज़ा हमारे बेक हो चुके हैं, सॉरी पिज़्ज़ा बेस। अगर आप चाहें तो इसी समय इस पर टॉपिंग्स लगाकर इसे बेक कर सकते हैं, या फिर आप इसे स्टोर करना चाहें तो आप इसे किसी भी जिप लॉक बैग में रख के स्टोर कर सकते हैं, या फिर इस टाइप से फॉइल में रैप करके फ्रिज में 4 से 5 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।